एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम ब्राइडल ईयरिंग बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कैनवास लिया है जिसको मैंने दो गोल शेप में कट कर रखा है। और यहाँ पर मैंने ये कैनवास लिया है जिस पर मैंने फैब्रिक को चिपका कर रखा है। और कैसे चिपकाया है इसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दी है, तो आप जाकर देख सकते हैं मतलब वीडियो की लिंक को। और यहाँ पर मैंने रिंग बेस लिया है, मोती लिया है ग्रीन कलर का, गोल्डन मोती लिया है, ईयर रिंग स्टंट लिया है और आई पिन ली है। तो ये जो कैनवास है इसके अंदर हम ईयर रिंग स्टंट को लगा देंगे और यहाँ पर हम आई पिन भी लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक और आई पिन लूँगी और आई पिन में हम सबसे पहले जो ग्रीन कलर का मोती है इसको चिपका देंगे। यहाँ पर मैंने जो ये ग्रीन फैब्रिक लिया है इसको मैंने कैनवास शीट पर चिपकाया हुआ है प्रेस के साथ। तो ये मैंने कैसे चिपकाया है तो इसकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है अपने चैनल पर, तो आप जाकर देख सकते हैं इसकी वीडियो। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी। और इस आई पिन के अंदर मैं ये वाला मोती भी डाल दूंगी। और ग्लू गन से हमने इसकी पूरी गोटा ने इसको चिपका दिया है। इसके बाद आपस में ये बेस लूँगी ग्रीन कलर का और इसके बैक वाले पार्ट पर हम यहाँ पर आई पिन को लगा देंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू भी लूँगी जिससे हम इसमें ईयरिंग स्टंट सबको लगा देंगे मतलब कैनवास को चिपका देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक और कैनवास लिया है और इसको हम इस पर चिपका देंगे और इसको हम थोड़ी देर ड्राई होने के लिए भी रख देंगे। और यहाँ पर मैंने फैब्रिक कलर लिया है जो कि कोन में है, तो यहाँ पर हम दुल्हनिया लिख देंगे इसके ऊपर। और इस पर पूरे डिज़ाइन बनाकर इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक और लिया है जो कि हम इसे रिंग बनाएंगे, तो यहाँ पर भी मैं ये लिख दूंगी। और ये लिखने के बाद हम इसको भी थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख देंगे। और जब दुल्हनिया वाला कैनवास पूरा ड्राई हो जाएगा उसके बाद इसके बैक वाले पार्ट पर हम ग्लू गन से ये जो लेस है गोटा लेस इसको भी लगा देंगे।
बाद जो रिंग वाला बेस है उस पर भी हम इस गोटा लेस को चिपका देंगे। और अगर आपको जैसे दूसरी वीडियो देखनी है फ्लावर ज्वेलरी की, ब्राइडल ज्वेलरी जैसे ब्राइडल लटकन या फिर कुंदन ज्वेलरी, नोज पे नोज रिंग, तो उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारी वीडियोस के लिंक को डालकर रखा है, तो क्लिक कर आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपने अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। एंड फैब्रिक ग्लू से हमने जो एक और कैनवास था उसको भी चिपका दिया है। यहाँ पर मैं ग्लू लूँगी, इससे हम रिंग बेस को इस पर चिपका देंगे। और जो दुल्हने वाले ईयरिंग है इसको हम झुमके से अटैच कर देंगे। एंड देखिए जो ईयरिंग है और रिंग है दोनों रेडी हो गए हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय न्यू वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड बाय।